महामारी खत्म हो, महामारी खत्म हो, महामारी खत्म हो, महामारी खत्म हो। जो हवन रखा गया था उसका उद्देश्य था कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर जो महामारी फैल रही है उसका समन हो, वो शांत हो। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि वो धर्म कर्म में रत रहते हुए इसके जो जरूरी कदम है वो भी उठाएं, जैसे सभी से लोग हाथ न मिलाएं, नमस्कार पद्धति यूज करें और उन चीज़ों को ना छुएं जहाँ से ये होने की संभावना है। ज़्यादा लोग कहीं भीड़ भाड़ में नहीं जाएं और सैनिटाइजर यूज़ करें। सैनिटाइजर अगर नहीं मिल रहा हो तो उसके जो अल्टरनेट उपाय है, नीम का रस आप यूज़ कर सकते हो, नमक यूज़ कर सकते हो, कई चीज़ें हैं जो इसके अल्टरनेट उपाय है। आफ्टर सेव उसके अंदर पानी मिला के यूज़ कर सकते हो, इस तरह करके आप इस बीमारी से बच सकते हो। इसका पूर्ण रूप से उद्देश्य यही था कि क्षेत्र के अंदर शांति रहे और जो कोरोना वायरस MP तक पधार गया है वो वहीं रुक जाए, आगे नहीं बढ़े। इसके लिए हमने यहाँ हमारे क्षेत्र खातेआव कन्नौज की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के हिसाब से भगवती शक्ति के मंत्रों से यहाँ पे हवन कराया गया था। उसके लिए हमने इंदौर से कोरोना स्पेशलिस्ट पंडित श्री अनिल नागर जी को बुलाया था और हमारे जो स्थानीय पंडित हैं, हमारे कुल पंडित हैं श्री भरत शर्मा जी, उनको बुलाया था कि देश समाज और हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे और सब लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो, इसलिए यहाँ के ऊपर आज चौराहे के ऊपर हवन रखा था। ये कोरोना के विशेष मंत्रों से और कुछ जड़ी बूटियां हिमालय से लेके आए थे जिससे हवन किया गया। पंडित जी कौन सी जड़ी बूटियां आप लेके आए? देखो क्या है कि जितने भी महामारी हैं, आप देखिए कि जितने भी देवता हैं उन देवताओं में भी दो डॉक्टर का जो है वैधता रखी गई कि अश्विनी कुमार नाम के जो वैद्य हैं वो देवताओं ने भी अपने लिए रखे हुए, मतलब जो बीमारियां हैं वो तो देवताओं को भी आई है। तो उसका समझ के लिए हमारे पास बहुत सारी औषधियां हैं, जैसे हमने यहाँ पर गिलोय लिया, सरसों लिया, हल्दी लिया, उसके अलावा जटामासी, जटासंकरी और इस प्रकार से 14-18 जो है जड़ी बूटियों के द्वारा हमने हवन किया है। और महामंत्र है, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो मंत्र होते हैं वो महामणि होते हैं और वो सब तरह के कुअंक को मिटाने वाले होते हैं। हमने भी प्रयास किया कि जो महामारी सकल विश्व को आज दिक्कत दे रही है वो MP तक भी आई है, रतलाम में, जबलपुर में कहीं पाए गए हैं। क्षेत्र की जनता, हमारे मध्य प्रदेश, हमारा भारत देश उससे सुरक्षित रहे, इसलिए ये हमारे छोटे छोटे प्रयास हम सब अपने स्तर पर करते रहे जिससे ये बीमारी जहाँ है वहीं पर रुक जाए और हमारा जो लोगों का जो जीवन है वो बचे। आपका नाम एक बार फिर से? मेरा नाम पंडित अनिल पाराशर, मैं इंदौर से हूँ, मुक्तेश्वर धाम इंदौर। ठीक। विश्वव्यापी जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस, जो संक्रमित रोग है, इस प्रकार से HIV एड्स होता है उसी प्रकार से ये संक्रमित रोग है और इस रोग के उपचार के लिए सर्वप्रथम आप केवल प्रणाम की मुद्रा में किसी से मिले, प्रणाम करें, किसी को स्पर्श ना करें, जिसके खांसी चल रही हो या अन्य कोई बीमारी हो उससे थोड़ा दूर रहें, बच करके रहें और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप गर्म पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारे शरीर का जो तापमान है वो तापमान एक स्थायी रूप से विद्यमान रहेगा, जिससे ये कोरोना का जो वायरस फैल रहा है वो फैलने से हम बच सकते हैं। यही हमारा सबका आधार होना चाहिए। इस क्षेत्र के जनता से मैं आग्रह करूँगा इस प्रकार के हवन सभी अपने अपने गाँव में, अपने नगर में, अपने घर में करें जिससे कोरोना का उपचार हो सके, कोरोना वायरस ज़्यादा से ज़्यादा ना फैलते हुए केवल ये महामारी यहीं पर रुक जाए। बस भगवान सिद्धेश्वर से और भगवान अश्विनी कुमारों से ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ। बोलिए नरमादे। मैं लास्ट में इतना बोलना चाहूँगा कि ये बीमारी सबसे ज़्यादा हाथों से फैलती है, तो जब भी आप कहीं जाएँ या ऐसी जगह, सार्वजनिक जगह जाएँ तो इस तरह के सैनिटाइजर लेके इसको इस तरह हाथ में डाल के अपने को सुरक्षित कर लें ताकि आप सुरक्षित रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारे हाथों से जो हमारी आँख, नाक, कान और मुंह में जो लेके जाते हैं इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। स्वस्थ व्यक्ति को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो कहीं भीड़ में जा रहा है तो ज़रूर पहनना चाहिए, अदरवाइज मास्क की ज़रूरत नहीं है। ठीक।